पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वावधान में स्मार्ट सिटी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज का फूलमाला पहनाकर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिला हित को लेकर काम कर रही है। महिलाओं के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी भाजपा नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और भाजपा सरकार महिलाओं को पूरा सम्मान देने का काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्य भाजपा सरकार में किया गया है। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। आपके बीच में आने का मौका मिला और मंच ये नहीं है, मंच इधर है। आज पार्टी की तरफ से हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आप संख्या में ज्यादा है इसलिए आप इधर हैं। बहुत सारी शिक्षिकाएं भी बैठी हैं सामने, मैं उनको नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि शिक्षकों से ही देश आगे बढ़ता है और हमारी न्यू जनरेशन आगे अच्छी नागरिक बनती है। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, हमारी एनजीओ बहनें हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका शहर स्मार्ट सिटी में लिया गया है और शहर ही नहीं, मुझे लगता है कि हर नागरिक स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है। जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है तो निश्चित ही वहां रहने वालों को भी अच्छा महसूस होता है और मुझे लगता है कि आज तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही स्मार्ट हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और आप सोच रही होंगी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अपने देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार हम महिलाओं पर विश्वास जताया। बहुत तरह की सरकारें आई, बहुत सारे सरकारें गई, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, महिलाएं भी और पुरुष भी, लेकिन महिलाओं के अंदर की प्रतिभा को, महिलाओं की परेशानी को अगर किसी ने समझा तो वो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। आप थोड़े स्पेशल हैं क्योंकि भगवान ने आपको बहुत सारे गुण दिए हैं। वो सबसे बड़ा गुण है संवेदनशीलता का, एडजस्टमेंट का, दूसरों की केयर करने का, अपनी चीजों को शेयर करने का। ये गुण आदमियों से ज्यादा मुझे लगता है महिलाओं के पास है, तभी तो महिलाएं अपना घर छोड़ के आ जाती हैं। और देखिए जब शादी होती है तो लड़कों के मन में थोड़ा भैसा रहता है कि दूसरी जगह जा रहे हैं, बड़े बारात के साथ, बहुत सारे ताम झाम के साथ जाता है, गड़बड़ ना हो जाए। और उस महिला की हिम्मत देखिए, अकेली चली जाती है और सोचती है कि लेट अस सी होता क्या है, देखेंगे, एडजस्ट करेंगे, उन्हें भी सही करेंगे और हम भी सही रहेंगे। तो ये पावर भगवान ने जो दी है इसका हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो ये शक्ति है महिला शक्ति, इसे यदि किसी ने पहचाना तो आदरणीय मोदी जी ने पहचाना। और साथ ही साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन्हें अगर संजीदगी से किसी ने सोचा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।